हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नेत्रा के मनोहर का किसने किया अपहरण, 4.5 साल बाद भी नहीं लगा सुराग। मामला सीबीआई को सौंपे जाने पर कोई कार्रवाई नहीं, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को किया तलब। नेत्रा के बहुचर्चित मनोहर अपहरण प्रकरण को लेकर राज्य सरकार द्वारा इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने को लेकर की गई। अनुशंसा के 4 माह गुजर जाने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर मंगलवार को राजस्थान उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार व सीबीआई डायरेक्टर को तलब किया। मनोहर के पिता प्रकाश राजपुरोहित ने मामले को लेकर उच्च न्यायालय में अधिवक्ता गणपत सिंह राजपुरोहित के मार्फत याचिका लगाई थी, जिसमें बताया गया कि प्रार्थी राजपुरोहित समाज सहित पाली सांसद, सिरोही जालौर सांसद व करीब 20 से 25 से ज्यादा विधायक गण ने उक्त मामले के लिए सीबीआई जांच करवाने केंद्र सरकार को पत्राचार किया था, परंतु केंद्र सरकार द्वारा कोई ठोस व प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद सुमेरपुर में जोधपुर संभाग के राजपुरोहित समाज ने धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया था, जिसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने की केंद्र सरकार से अनुशंसा की थी। लेकिन 4 माह बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा जांच सीबीआई से करवाने को लेकर कोई कार्यवाही नहीं होने पर पिता राजपुरोहित ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका पेश की थी, जिसमें अधिवक्ता राजपुरोहित ने बताया कि उक्त मामले में प्रार्थी गत 4 साल से न्याय के लिए दर दर की ठोकरें, उक्त मामले में प्रार्थी गत 4 साल से न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। उन्होंने उच्च न्यायालय से निवेदन किया कि उक्त मामले में सीबीआई जांच होने पर ही वास्तविक तथ्य सामने आएंगे, नाबालिग मनोहर व उसके परिवार को न्याय मिलेगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय के जस्टिस विजय विश्रोही ने केंद्र सरकार व सीबीआई के डायरेक्टर को नोटिस जारी कर तलब किया है। गौरतलब है कि नेत्रा निवासी 16 वर्षीय मनोहर राजपुरोहित पुत्र प्रकाश राजपुरोहित गत 23 नवंबर 2016 को बस से फालना ट्यूशन क्लासेस गया था, जहां से अज्ञात लोगों द्वारा मनोहर का अपहरण कर लिया गया था। घटना के दूसरे दिन परिजनों ने फालना थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था। घटना के 12 दिन बीत जाने के बाद अज्ञात लोगों द्वारा फिरौती का लेटर भेजने के बाद परिजनों को अपहरण का पता चला। अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से 25 लाख की फिरौती भी मांगी थी। अपहरणकर्ताओं ने 6 से 7 बार पत्र लिखकर फिरौती की जगहों को बार बार बदलने के बाद पत्र लिखना बंद कर दिया। आखिरकार थक हार कर परिजनों ने पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर सीएम व पीएमओ तक पत्र लिखकर मनोहर अपहरण प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। लेकिन घटना के 4.25 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस मनोहर को नहीं ढूंढ पाई थी, जिसके बाद राजपुरोहित समाज ने सुमेरपुर में विशाल प्रदर्शन किया। राजपुरोहित समाज के दबाव के कारण राज्य सरकार ने उक्त मामले की जांच सीबीआई से करवाने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की थी। उक्त आदेश को 4 माह बीत जाने के पश्चात भी केंद्र सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर प्रार्थी प्रकाश कुमार ने अपने अधिवक्ता के मार्फत उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका लगाई थी। जागरूक टीवी के सुमेरपुर से शंभूलाल परमार की रिपोर्ट।